दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन सी चीजें होती है जो आपको अगली बनाती है। देखो मेरे बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि मतलब किसी का स्किन कलर अच्छा नहीं, या फिर किसी को स्किन डिजीज हो गई, या फिर कोई बहुत ज्यादा पतला है, फिर बहुत ज्यादा मोटा है, तो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे भी आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि फेसेस आर नॉट अगली, माइंड्स आर। देखो हर कोई ना अपने में यूनिक होता है, हर कोई अपने में बेस्ट होता है। बट ये बात तब आपको ठीक लगेगी जब आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दोगे। और इसी के साथ रियल में अगली वो होते जो मतलब वेटर्स हो गया, ड्राइवर्स हो गया, या फिर कोई भी लेबर होता तो उसकी भाई डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उससे मिसबिहेव कर दे। साथ में किसी लड़की को हो गया, फिर किसी को भी बहुत ही क्रीपी नजर से भाई कंटिन्यूअसली स्टेयर करना, जिस वजह से सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, तो भी पता चलता है कि वो बंदा है फिर बंदी बहुत ज्यादा अगली है। तो मेरे भाइयों प्लीज किसी को भी कलर या फिर शेप हो गया, फिर हाइट से बिल्कुल भी जज मत किया करो। अब चलो ये बातें तो हो गई, बट चलो थोड़ा सा फैशन और ग्रूमिंग की तरफ आते हैं। अब ग्रूमिंग में देखो अगर आप लोग बाल स्क्रैच करते तो मेरे भाई ये सबसे बड़ी मतलब घटिया आप लोगों को आदत लग चुकी है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये कि आप लोग प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन नहीं रखते या फिर उनका केयर नहीं करते। तो जैसे आप लोग अपने फेस का केयर करते तो सेम आप लोगों को अपने बॉडी के और प्राइवेट पार्ट्स की भी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बॉल स्क्रैच करने से मतलब आप लोग कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बट अगर आप लोग ये बार बार कर रहे हो या फिर पब्लिक प्लेसेस पे कर रहे हो तो मेरे भाइयों इससे आप लोग अगली दिखने वाले हो। तो इस वायत हैबिट को छोड़ने के लिए आप लोग एक अच्छा इंटीमेट वॉश का यूज कर सकते हो, अगर वो यूज नहीं कर सकते तो आप लोग को अच्छा डस्टिंग पाउडर का यूज करना चाहिए। अब जैसे आप लोग नहा के बाहर आते हो तो उस पार्ट को आप लोग को प्रॉपरली ड्राई करना, और अपने अंडर आर्म्स या फिर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं तो वहां पे आप लोग डस्टिंग पाउडर का यूज कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोग को रेडनेस जैसे वहां पे अगर प्रॉब्लम देखने मिल जाए तो वहां पे आप लोग कैंडिड बी का जो क्रीम आता है तो उसको भी यूज कर सकते हो, और इसके लिए चाहो तो आप लोग डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो। अब इन सबके साथ भी अगर आप लोग को मास्टरबेशन से मतलब एडिक्ट हो चुके हो तो मेरे भाई ये बहुत ही पक्का वाला साइन है कि आप लोग अगली होने वाले हो। क्योंकि भाइयों देखो इससे आप लोगों को मतलब ज्यादा कुछ बेनिफिट तो नहीं मिलने वाले, बट आप लोगों का लॉस बहुत ज्यादा होने वाला है, और साथ ही में आप लोग बहुत ज्यादा लेजी और टायर्ड फील करोगे। आप लोग बोले कि भैया मतलब इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हो? अब देखो इसका सिंपल आंसर है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप लोग अपने काम के बारे में नहीं सोचते हो या फिर बहुत ज्यादा टाइम पास करते हो तो भाई आप लोगों को ऐसी सारी चीजें तो दिमाग में आने ही वाली है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, भले कोई भी क्रिएटिव आर्ट हो, या फिर आप लोग कोई भी मतलब स्टडी के बारे में सीख सकते हो, या फिर आप लोग कोई भी नॉलेजेबल चीज को सीख सकते हो। बट अगर आप लोग पूरा दिन मतलब ऐसे टाइम पास करते हो तो मेरे भाई ये सारी चीजें तो आपके दिमाग में आने ही वाली है। वैसे इसके ऊपर अगर आप लोग को प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट करना, मैं इसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। साथ ही में अगर मैं थोड़ा सा फैशन के बारे में फिर क्लोथिंग के बारे में बताऊँ जो आपको अगली बनाती है, वो रिंकल वाले कपड़ों को पहनना। जैसे कि आप लोग देख रखते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। अब देखो ऐसे में भले आप लोग बहुत ज्यादा महंगे वाले कपड़े क्यों ना पहनते हो, बट उसके ऊपर भाई अगर रिंकल्स होंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया दिखता है, और ये आपको अगली तो बनाते। साथ में इसका ये साइन होता है कि आप लोगों को अपनी केयर करना नहीं आता, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा लेजी हो, तो इसलिए आप लोग के पास एक अच्छा वाला आयरन जरूर से होना चाहिए। साथ में अगर मैं जींस की बात करूं तो जींस बहुत ज्यादा मतलब बैक साइड से लूज हो गई जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो मेरे भाइयों प्लीज इसको आज से ऐसे वेयर करना बंद कर दो, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा घटिया दिखता है। इसी के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे साथ होती है वो है बॉडी से बैड स्मेल आना। अब देखो इसके लिए ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा परफ्यूम यूज कर लेते हैं या फिर डियो का यूज करते हैं, बट मेरे भाइयों आप लोग ना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप लोग प्रॉब्लम को बस हाइड कर रहे हो, वो भी टेम्पररी। इसके लिए आप लोगों को ना अपने बॉडी को प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए। अब ऐसे में आप में से बहुत से लोग कोई भी घटिया सा सोप को यूज करते हो, अगर आपके बॉडी से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आता है स्वेट के वजह से हो गया, या फिर मतलब किसी भी रीजन के वजह से, या फिर बॉडी के ऊपर पिंपल्स आके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, तो भाई उसके लिए आप लोग एक अच्छा बॉडी वॉश जरूर से यूज करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बॉडी वॉश आपकी बॉडी से बैड स्मेल तो रिमूव करेगा, साथ ही में डार्क स्पॉट हो गए, फिर पिगमेंटेशन हो गए, तो कोजिक एसिड वाले बॉडी वॉश आप लोग के लिए बेस्ट होंगे। मैं आप लोगों को कोई एक अच्छा बॉडी वॉश रिकमेंड करूं तो आप लोग डर्माकोका 1% कोजिक एसिड डेली ब्राइटनिंग बॉडी वॉश को यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने कहा इसकी जो बेस्ट बात है वो है कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन और पेंटावाइटिन, जो बॉडी से बैड स्मेल तो हटाएगा, साथ ही में जो डार्क स्पॉट हो गए, पिगमेंटेशन हो गया, तो उसको भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो इसमें जो कोजिक एसिड और अल्फा आर्बिटिन है तो वो आपके स्किन में ग्लो तो लाएंगे, साथ ही में डार्क स्पॉट हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, मेलेज्मा जैसे प्रॉब्लम को भी वो फेड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है अप टू 24 आवर्स हाइड्रेशन भी ये प्रोवाइड करता है। अभी जो सारी चीजें तो भाई वो एक बेसिक सा सोप बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो आपके प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाएगा, तो उससे ये बॉडी वॉश कहीं ज्यादा बेटर होगा। वैसे इसको यूज करना काफी आसान है, सिंपली आप लोग इसको थोड़ा सा अपने पाम पे ले सकते हो या फिर लूफा पे भी यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही ज्यादा इजिली अप्लाई हो जाता है। साथ ही मैंने भी इसको पर्सनली यूज कराया हुआ और इसमें कोई भी मुझे ऐसी दिक्कत नहीं लगी, तो मैं चाहो तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड हर्ष2020 तरीको यूज करोगे तो आप लोग को इंस्टेंटली 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जब भी आप लोग डर्माको के प्रोडक्ट उनके वेबसाइट से परचेस करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक चाइल्ड से जो उनको हेल्प करता है एजुकेट करने के लिए अलॉन्ग विद भूमि, और उन्होंने प्लेज करा 10,000 प्लस स्टूडेंट को हेल्प करने का अक्रॉस दिया, जो काफी सही बात है। वैसे भी इनके प्रोडक्ट अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब मेरे भाइयों इसके बाद बात करेंगे हम लोग ओरल हाइजीन की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो भले आप लोगों की कितनी भी अच्छी स्किन क्यों ना हो, या फिर आप लोगों के प्रॉपर हेयर क्यों ना हो, आप लोगों ने प्रॉपर ड्रेसिंग क्यों ना करी हो, बट अगर आप लोग ओरल हाइजीन में इतना ज्यादा
ज्यादा ध्यान नहीं देते हो और अगर आपके माउथ से बैड स्मेल आ रही है तो ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग को ओरल हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अब इसके लिए मैंने वैसे तो आप लोग को ऑयल पुलिंग की टेक्निक बताई हुई है, जिसमें सिंपली आप लोग को प्योर कोकोनट ऑयल लेना और प्रॉपरली आप लोग को पूरे माउथ के अंदर उसको घुमाना है, उसके बाद आप लोग को स्प्लिट कर देना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अभी ये बैड स्मेल को तो रिमूव करेगा, साथ में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं माउथ रिलेटेड तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अगर आप लोग को फोन का सेल फोन का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो चुका है तो मेरे भाई ये भी साइन है कि आप लोग अगले होने की तरफ बढ़ रहे हो। अब देखो ये चीज आप लोग को अभी पता नहीं चलेगी बट कुछ टाइम के बाद आप लोगों को इसके रिजल्ट जरूर देखेंगे और तब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो मेरे भाई ये जो छोटे बच्चे तो भाई ये भी नींद में अपने फोन को चला रहे हैं और ऐसे में आप लोग देख सकते हो कि मतलब भाई ये कितनी बुरी कंडीशन है। साथ में कुछ टाइम पहले ये भी आया था कि मतलब कुछ ऐसे गेमर्स है जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने बालों को रिमूव करते हैं ट्रिमर से और उन्होंने ये देखा है कि उनके सिर के ऊपर लिटरली मतलब हेडफोन के निशान रह गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब देखो फोन यूज करना है फिर कोई भी चीज को मतलब जो अगर आप लोग उसको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक कर रहे हो तो वो आप लोग को तभी पता नहीं चलेगा बट कुछ टाइम के बाद वो सडन मतलब प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आएगा और तब आप लोग के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होगे। तो इस वजह से कोई भी चीज कर रहे हो तो उसको एक लिमिट तक ही रखना बहुत ज्यादा बेटर होता है। और ऐसे में अगर मैं रील्स की बात करूं तो हम में से बहुत ज्यादातर लोग मतलब रील्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। अब देखो ये कैसे वर्क करता है समझ लो, अगर आप लोगों ने कोई एक अच्छी रील को देख लिया ठीक है जो इमोशन है तो आप लोगों के दिमाग में वो थोड़ा सा इमोशन वाला फीलिंग आ जाता है। अब उसी के साथ आप लोग कोई भी कॉमेडी रील को देखते हो नेक्स्ट वाली रील तो भाई आप लोग दिमाग में सडनली मतलब हैप्पी वाली फीलिंग आ जाती है। अब ऐसे में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कोई भी एक ही इमोशन वाली रील आप लोग नहीं देख पाओगे तो ऐसे में कंटिन्यूअसली दिमाग के अंदर अलग अलग फीलिंग्स वाली मतलब चीजें चलती रहती है और इस वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर उसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर होता है। तो इस चीज को भी लिमिट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई तुम लोग आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर देना। आप लोग मेरे चाहो तो और भी यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पीस।